नोटबंदी के बाद देश के अर्थव्यवस्था चौपट हुई थी, गरीबों के जेब से पैसे निकाल के बैंकों में डलवाया और बैंक के पैसे को मोदी के मित्रों ने लूट के देश से विदेश ले गए। राहुल गांधी जी न्याय योजना लॉन्च किए हैं और उस न्याय योजना में प्रत्येक गरीब परिवार को 72,000 रुपया वार्षिक रूप से दिया जाएगा। तो ये न्याय योजना की सफलता के लिए आज न्याय यात्रा की शुरुआत की जा रही है। न्याय वर्सेस चौकीदार तो नहीं है कहीं? न्याय वर्सेस मैं चौकीदार। आज 500 जगहों पर नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, दिल्ली से कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और ये लोग भी मैं चौकीदार हूँ करके चल रहे हैं। पहले चाय वाले बने थे, अब चौकीदार। अब वो 23 मई के बाद झोला उठा के हिमालय जाएंगे। मुख्य रूप से आपको जो आपने कहा था कि 5 साल बाद रिपोर्ट कार्ड सौंपूंगा देश को, नरेंद्र मोदी जी को रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखना चाहिए इन 5 वर्षों में उन्होंने किया क्या है, क्योंकि सारी योजनाएं उसकी असफल हो चुकी है, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे स्टैंडअप इंडिया हो, चाहे स्किल इंडिया हो, वो सारी योजनाएं उनकी फेल हुई। 100 स्मार्ट सिटी उन्होंने कहा था वो भी फेल हो गया, बुलेट ट्रेन चला नहीं और देश के धन को उनके मित्रों ने विदेश ले गया। तो चौकीदारी तो कर नहीं पाया। अब चौकीदार चिल्लाने से थोड़ी होगा। विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, सारे लोग पैसा लेके भाग गए और जो बचा खुचा पैसा है उसको अपने मित्र अनिल अंबानी को दे दिया। इसका जवाब उसको देना चाहिए। सर, कल नरेंद्र मोदी, डॉक्टर रमन सिंह और जो इनके पितृपुरुष है पंडित दीनदयाल, इनकी कुछ फोटोएं, एक ट्रक भर के फोटोएं जो सरोना का डंपिंग यार्ड है कचरे में पाई गई हैं, जिसमें प्रधानमंत्री की ऑफिशियल जो तस्वीर है वो भी थी वहाँ पर। ये मुझे जानकारी नहीं है, अब इसके बारे में जानकारी लेकर ही कुछ बात कर पाऊँगा।